दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रेरणा कैरियर इंस्टीट्यूट में। जैसे कि हम डायरेक्ट मेथड को पढ़ चुके हैं, डायरेक्ट मेथड के आज हम कुछ MCQ करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे जो पिछली भर्ती परीक्षाओं में अक्सर पूछे गए हैं। तो अगर आपने डायरेक्ट मेथड और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को नहीं पढ़ा है दोस्तों, तो आप एक बार वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि प्रत्येक टॉपिक के बाद मैं आपको पिछली परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को सॉल्व करवाता हूँ। तो हमने अभी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पढ़ा था, तो उसके क्वेश्चन भी हमने कर लिए थे, और अब हमने हाल ही में डायरेक्ट मेथड पढ़ा है, और डायरेक्ट मेथड के आज अपने कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि समय पर आपके पास जो नोटिफिकेशन है क्लास का वो पहुंच जाए। जैसा कि मैं आपसे प्रॉमिस कर चुका हूं कि सेकेंड ग्रेड के लिए कंप्लीट इंग्लिश जो है मैं आपको कराऊंगा। अगर आप इंग्लिश टीचर बनना चाहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के टीचर बनना चाहते हैं, तो इसका संपूर्ण पाठ्यक्रम जो है मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको एकदम निःशुल्क मिलेगा। इसके 3 पार्ट हैं और हमने थर्ड पार्ट से स्टार्ट किया है, क्योंकि मेरे ख्याल से ग्रामर तो सब लोग पढ़ते ही रहते हैं, काफ़ी सालों से आप लोग पढ़ते ही हैं, और आप स्कूलों में पढ़ा रहे होंगे तो पढ़ाते ही होंगे। लेकिन ये टीचिंग मेथड है जो है ना, जो आपने बीएड में पढ़े थे और उनसे आपका पीछा छूटा हुआ काफ़ी समय हो गया है, तो इसलिए इसमें मेरी दृष्टि से इसमें थोड़ी वीकनेस आपकी रहती है। तो अब हमने थर्ड पार्ट से ही शुरू किया है, टीचिंग मेथड से ही स्टार्ट किया है, इसमें सारे मेथड अपने पढ़ेंगे। तो 2 मेथड ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड। तो आज डायरेक्ट मेथड के कुछ क्वेश्चन अपने करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि जो डायरेक्ट मेथड है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, इन द डायरेक्ट मेथड स्पीच एंड फोनेटिक्स हैव, कि डायरेक्ट मेथड में स्पीच और फोनेटिक्स, फोनेटिक्स अपने आप में एक पूरा टॉपिक है, इसकी भी बात हम करेंगे आगे जाके। तो यहाँ पर जो डायरेक्ट मेथड है उसमें स्पीच और फोनेटिक्स को मतलब महत्व कैसा दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि प्रिसिडेंस, प्रिसिडेंस का अर्थ होता है दोस्तों वरीयता देना, या फिर इंडक्शन, या फिर फ्रीडम, या फिर सिस्टम। इन तीनों शब्दों से तो आप अच्छी तरह परिचित हैं ही। तो किसी चीज़ को इंडक्शन का अर्थ होता है किसी चीज़ को प्रेरणादायक, उसको बोलते हैं फ्रीडम, स्वतंत्रता, सिस्टम, कोई भी व्यवस्था होती है, ये आपको पता है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन द डायरेक्ट मेथड स्पीच एंड फोनेटिक्स हैव, स्पीच और फोनेटिक्स को क्या समझा जाता है, क्या महत्व दिया जाता है, इसकी बात यहां पर हम समझने वाले हैं। तो आप मुझे बताएं कि यहां पर सही आंसर क्या होगा। दोस्तों आपने डायरेक्ट मेथड की अगर क्लास ली है तो आपको पता है, और मेरा ये आपको सजेशन रहेगा कि अगर आपने डायरेक्ट मेथड को नहीं पढ़ा है तो एक बार इन क्वेश्चंस को मत देखिए आप। पहले डायरेक्ट मेथड पढ़ के आइए, और फिर डायरेक्ट मेथड पढ़ने के बाद अगर आप इन प्रश्नों के उत्तर दोगे ना, तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। दोस्तों फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताएं कि इन द डायरेक्ट मेथड स्पीच एंड फोनेटिक्स हैव, डायरेक्ट मेथड में स्पीच और फोनेटिक्स को क्या समझा जाता है, क्या वरीयता दी जाती है, या फिर उनको सिस्टम समझा जाता है, या उनको फ्रीडम दी जाती है, ऐसा कुछ इस प्रश्न का उत्तर है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर होगा ए, और इसका अर्थ होता है दोस्तों वरीयता। तो जो डायरेक्ट मेथड होता है ना, इसमें प्रिसिडेंस दिया जाता है किसको, स्पीच को और फोनेटिक्स को। उच्चारण से संबंधित होता है ये डायरेक्ट मेथड, इंग्लिश टू इंग्लिश चलता है, इसलिए इसमें स्पीच और फोनेटिक्स को जो है ना प्रिसिडेंस दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर आपको इस बात को समझना होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा होगा, आंसर पहले क्वेश्चन का आंसर जो है ना वो ए है। यहाँ पर मैं साथ के साथ आपको आंसर देता जाऊंगा। दूसरा क्वेश्चन है कि मेथड इज बॉडी ऑफ, कोई भी मेथड जो होता है ना वो बॉडी होता है किसका, नॉर्म्स की बॉडी होता है, प्रिंसिपल की बॉडी होता है, या टेक्निक्स की, या पॉइंटर्स की, किसकी बॉडी होता है। कोई भी मेथड जो है, टीचिंग मेथड की हम बात करें तो कोई भी टीचिंग मेथड क्या होता है, किस चीज़ का बॉडी होता है, नॉर्म्स का, प्रिंसिपल का, टेक्निक्स का, या पॉइंटर्स का। यानी कि आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि मेथड जो है ना वो क्या होता है, मेथड कोई नॉर्म्स है, या मेथड कोई प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, या पॉइंटर्स है, या टेक्निक्स है, क्या होता है।
दोस्तों आपको पता ही है कि मेथड जो होता है ना वो एक तकनीक होती है, पढ़ाने की एक तकनीक है। इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर जो होगा ना वो सी होगा, तो दूसरे का आंसर है हमारा सी। साथ ही साथ ये हमारी आंसर की इसके साथ चलती रहेगी। तो यहाँ हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ हमारा आंसर होगा सी। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों ये है कि टीचिंग इज हाईली स्किल्ड प्रोफेशन, टीचिंग इज हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल प्रोसेस है, एक्टिविटी है, कॉम्पोनेंट है या फिर कोर्स है, टीचिंग क्या है ये आपको बताना है। टीचिंग जो है वो हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल प्रोसेस है या प्रोफेशनल एक्टिविटी है या फिर कॉम्पोनेंट है या फिर कोर्स है, यहाँ पर तीसरे का आंसर आपको देना है। यहाँ पर बारी बारी से सभी प्रश्नों के उत्तर जो है आपको देने हैं। तो आप मेरे को बताएं कि यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, थर्ड का भी, फोर्थ का भी, फिफ्थ का भी, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, इलेवेंथ, ट्वेल्थ, थर्टीन्थ, फोर्टीन्थ और फिफ्टीन्थ। टोटल 15 क्वेश्चंस की अपने यहाँ पर बात करेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं क्या इसका सही आंसर थर्ड का है, एक्टिविटी। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, एक्टिविटी। तो थर्ड का आंसर है दोस्तों हमारा बी, कि टीचिंग इज हाईली स्किल्ड प्रोफेशन, प्रोफेशनल एक्टिविटी होती है दोस्तों। फोर्थ क्वेश्चन है अब हमारा कि प्रनंसिएशन ड्रिल आर द एक्सीलेंट मीन्स ऑफ फॉर्मिंग करेक्ट स्पीच, कि जो प्रनंसिएशन होता है मतलब उच्चारण जो होता है ये इसकी बात कर रहा है। प्रनंसिएशन ड्रिल आर द एक्सीलेंट मीन्स ऑफ फॉर्मिंग करेक्ट स्पीच, क्या करेक्ट करता है प्रनंसिएशन, साउंड को, स्किल्स को, हैबिट्स को या पैटर्न्स को, यहाँ पर फोर्थ का आंसर बताना है। प्रनंसिएशन क्या है, एक साउंड है, एक स्किल्स हैबिट है, पैटर्न्स है, क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपके बताने से पहले ही शायद मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ आंसर होगा हैबिट। तो फोर्थ का आंसर होगा हमारा सी, फोर्थ का आंसर क्या होगा, सी। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, विच मेथड नीड्स मच ऑफ एड्स, किस मेथड में ज़्यादा जो है ना वो सहायक सामग्री की आवश्यकता होती है, कौन सा मेथड है जिसमें ज़्यादा जो है एड्स की जरूरत पड़ती है। बाइलिंगुअल मेथड होता है, सिचुएशन में अप्रोच होता है, या फिर डायरेक्ट मेथड होता है, या फिर ट्रांसलेशन मेथड होता है। तो सीधी सी बात है, हम डायरेक्ट मेथड की बात कर रहे हैं, हम डायरेक्ट मेथड को पढ़ रहे हैं, तो हमारा आंसर भी दोस्तों पांचवें का क्या होगा, डायरेक्ट मेथड। हमारा आंसर क्या होगा, सी आंसर होगा। तो फिफ्थ का आंसर है हमारे पास सी। सिक्स्थ क्वेश्चन है कि विच मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर जूनियर क्लासेस, कौन सा मेथड जो है जूनियर क्लासेस के लिए मोस्ट यूज सुटेबल है, मोस्ट सुटेबल फॉर जूनियर क्लासेस, कौन सा मेथड जूनियर क्लासेस के लिए सुटेबल है। जूनियर क्लासेस का मतलब सिक्स टू एट्थ। तो यहाँ पर दोस्तों सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या होगा वो आपको बताना है, सिक्स टू एट। देखो दोस्तों अगर मैं बात करूँ ना, एक तो होती हैं प्राइमरी क्लासेस, एक होती हैं प्राइमरी क्लासेस। प्राइमरी क्लासेस के लिए जो मेथड होता है ना वो कौन सा, प्राइमरी क्लासेस यानी कि क्लास नर्सरी से, मान लो आप नर्सरी से लेकर फिफ्थ तक की जो क्लासेस होती है ना ये प्राइमरी क्लासेस हैं। और इसके लिए जो मेथड होता है ना जिससे बच्चे पढ़ते हैं आसानी से समझते हैं वो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, कौन सा, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ये प्राइमरी क्लासेस के लिए बहुत ही उपयोगी है। एक बात तो ये हो गई, और एक बात हम करें अपर प्राइमरी जिसको कहते हैं हम सिक्स टू एट, ये जो क्लासेस हैं इस इनको हम जूनियर क्लासेस भी बोलते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है ना सुटेबल जूनियर क्लासेस और ब्रैकेट में मैंने लिखा है सिक्स टू एट, तो सिक्स टू एट जो है ना ये अपर प्राइमरी क्लासेस हैं, या इनको जूनियर क्लासेस भी कह सकते हैं दोस्तों। ये जो सिक्स्थ वाला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर आंसर क्या होगा कि सिक्स टू एट तक के जो स्टूडेंट होते हैं ना दोस्तों उनको बाइलिंगुअल मेथड से पढ़ाना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर रहता है, बाइलिंगुअल मेथड, ठीक है। और जो तीसरे नंबर की बात करें हम, जो सीनियर क्लासेस होती हैं यानी कि क्लास नाइन्थ टू ट्वेल्थ, इन बच्चों को हमें डायरेक्ट मेथड से पढ़ाना चाहिए, ये सुटेबल होता है, डायरेक्ट
मेथड से पढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो सिक्स्थ है ना, वो ये कह रहा था कि जूनियर क्लासेस, विच मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर जूनियर क्लासेस, यानी कि सिक्स टू एट्थ की बात कर रहा है। तो सिक्स टू एट्थ की बात कर रहा है, तो बाइलिंगुअल मेथड जो है ना, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, ये मेथड बहुत उपयोगी रहता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर होगा दोस्तों डी। सिक्स्थ का जो हमारा आंसर है ना, वो होगा डी। लेकिन यहीं पर अगर ये क्वेश्चन होता कि विच मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर सीनियर क्लासेस, यानी कि 9 to 12th, तो हमारा आंसर क्या होता? डायरेक्ट मेथड। और यहीं पर ये प्रश्न होता है कि विच मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर प्राइमरी क्लासेस, तो हमारा आंसर होता ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो ये तीन चीजें अलग अलग हैं, ये आपको माइंड में बिठानी है। चलते हैं सेवंथ क्वेश्चन पर, कि इन विच मेथड टीचर्स स्टेट्स रूल्स एंड गिव्स एग्जाम्पल्स। कौन सा मेथड होता है जिसमें टीचर जो है ना, पहले रूल्स की बात करता है और फिर एग्जाम्पल देता है, पहले नियम बताता है फिर एग्जाम्पल बताता है। दोस्तों ये बहुत एक अच्छी चीज है। यहाँ पर देखो दो चीजें आ रही हैं, यहाँ पर दो चीजें आ रही हैं। एक तो होता है इंडक्टिव मेथड, एक होता है डिडक्टिव मेथड। दोस्तों मैं यहाँ पर इसको क्लियर करूंगा कि इंडक्टिव जो मेथड होता है, इंडक्टिव, एक इंडक्टिव मेथड होता है और एक होता है डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड को जो है ना, हम हिंदी में बोलते हैं आगमन विधि। हिंदी में क्या बोलते हैं हम इसको? आगमन विधि। और एक है डिडक्टिव मेथड, इसको हम हिंदी में बोलते हैं निगमन विधि। ये निगमन विधि होती है। तो यहां पर जो ये डिडक्टिव मेथड होता है ना, इंडक्टिव मेथड की, सॉरी, इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं, यानी कि पहले उदाहरण बताया जाता है और उसके बाद नियम बताया जाता है। पहले उदाहरण दिया जाता है फिर नियम। और जबकि डिडक्टिव मेथड जो होता है ना, ये अज्ञात से ज्ञात की ओर चलता है, इसमें पहले नियम बताया जाता है फिर उदाहरण दिया जाता है। आपको मैं एक उदाहरण देके समझाता हूँ। मान लो कि आप टीचर हो, आप स्टूडेंट्स को नाउन पढ़ा रहे हो, तो अगर आपने ऐसे लिख दिया कि राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय, और फिर आपने इस ये एग्जाम्पल दिया आपने, है ना, फिर आपने कहा स्टूडेंट्स राम जो है ना, वो एक पर्सन है और कोई भी पर्सन प्लेस थिंग नाउन होता है, तो यहाँ पर राम नाउन है। तो आपने पहले क्या किया? पहले आपने उदाहरण दिया, आपने एग्जाम्पल दिया, फिर आपने नियम बताया। कि आपने पहले उदाहरण दिया है फिर नियम बताया। तो इस मेथड से अगर आप अपने स्टूडेंट्स को बताते हो ना, तो ये इंडक्टिव मेथड कहलाता है, पहले उदाहरण फिर नियम। और अगर आप इसी चीज को ऐसे बताते कि पहले आपने बता दिया कि कोई भी पर्सन प्लेस, स्टूडेंट्स को ये बताया कि कोई भी पर्सन, कोई भी प्लेस और कोई भी थिंग नाउन होती है, फिर आप ये एग्जाम्पल लिखते कि राम इज ए गुड बॉय, देखो स्टूडेंट्स राम कोई पर्सन है और इसलिए नाउन है, तो आपने पहले नियम बताकर फिर उदाहरण दोगे ना, तो ये डिडक्टिव मेथड है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर सेवन ये कह रहा है कि इन विच मेथड टीचर स्टेट्स रूल्स एंड गिव्स एग्जाम्पल। पहले रूल्स बताता है फिर एग्जाम्पल देता है, तो पहले नियम बताता है फिर उदाहरण देता है, तो ये कौन से मेथड में होता है? ये डिडक्टिव मेथड में होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? डिडक्टिव मेथड। हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? हमारा आंसर होगा डिडक्टिव मेथड। तो सेवंथ का आंसर क्या हुआ? सेवंथ का आंसर हुआ बी, और बी मतलब डिडक्टिव मेथड। उम्मीद है आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। मैं फिर एक बार आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत अच्छी सामग्री दूंगा मैं आपको, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन दूंगा, और पूरा सेकेंड ग्रेड का इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है ना, आपका सिलेबस जो है ना, उसको मैं कवर करवाऊंगा। दोस्तों फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच में ये वीडियो पहुँचाएँ, ताकि उनका भी लाभ हो सके। अब अपने बात करते हैं आठवें क्वेश्चन की। एट्थ क्वेश्चन ये कहता है कि द टर्म डायरेक्ट मेथड अपेरेंटली ओरिजिनेटेड, कहाँ से ये टर्म जो है ओरिजिनेट हुई है? दोस्तों ये बहुत ही आसान प्रश्न है, ये फ्रांस से हुई है, तो इसमें ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। नौवां क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन फीचर ऑफ द डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का
कौन सा कॉमन फीचर नहीं है? इम्फेसिस ऑन द ओरल लैंग्वेज, ज़्यादा ओरल लैंग्वेज पर जोर दिया जाता है क्या? बिल्कुल दोस्तों, ओरल लैंग्वेज पर जोर दिया जाता है। इंटेंसिव स्पीच प्रैक्टिस, इंटेंसिव स्पीच प्रैक्टिस कराई जाती है क्या? इंटेंसिव का अर्थ क्या होता है दोस्तों? इंटेंसिव का अर्थ होता है, यहाँ पर भी इंटेंसिव वर्ड आ रहा है, इंटेंसिव का अर्थ होता है रीड विद कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन के साथ अगर आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं ना, उसको इंटेंसिव कहा जाता है, व्यापक कह सकते हैं अपने। एम्फेसिस ऑन द ओरल लैंग्वेज, डायरेक्ट मेथड में ओरल लैंग्वेज पर इम्फेस किया जाता है, जोर दिया जाता है। और ये भी सही है कि यहाँ पर जो है ना, इंटेंसिव स्पीच प्रैक्टिस होती है। एक्सक्लूसिव यूज़ ऑफ न्यू लैंग्वेज, ये होता है या नहीं होता है आपको बताना है। तो यहाँ पर एक्स इंटेंसिव का यहाँ पर भी आ रहा है। अगर इन चारों ऑप्शंस को देखा जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन फीचर ऑफ द डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड का कौन सा कॉमन फीचर नहीं है इनमें से, आपको नवे का बताना है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो इंटेंसिव रीडिंग प्रैक्टिस है ना, ये यहाँ पर नहीं कराई जाती है। बाकी तो तीनों हैं, लेकिन ये नहीं है, क्योंकि LSRW, लिसनिंग स्पीकिंग पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, यहाँ पर रीडिंग पर और राइटिंग पर जोर दिया जाता है। कौन से मेथड में? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में। तो इसलिए यहाँ पर जो रीडिंग प्रैक्टिस है ना, वो जो एस का फीचर नहीं है। तो हमारा आंसर यहाँ पर जो है ना, वो होगा डी। तो यहाँ पर हमने देखा कि 8th का आंसर क्या हो रहा है हमारा, 8th का आंसर हो रहा है हमारा कौन सा? सी, फ्रांस। और 9वें का क्वेश्चन जो है वो, 9वें क्वेश्चन का आंसर जो है वो डी है। ठीक है दोस्तों, अब अपने आगे पहुंचते हैं। यहाँ 9 तक आंसर हुए हैं, आगे अगले पेज पर जब हम चलेंगे तो मैं आपको आंसर 10 से बताऊंगा। यहाँ 9 तक हो चुके हैं, चलिए अगले पेज पर चलते हैं। ठीक है, अगले पेज पर आगे ये क्वेश्चन है हमारे, 10वां क्वेश्चन हमारा क्या है? 10वां क्वेश्चन ये क्या है कि डायरेक्ट मेथड पुट्स इम्फेसिस ऑन, डायरेक्ट मेथड किस पर इम्फेस करता है, किस पर जोर देता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि मदर टंग पर। नो, मदर टंग पर जोर नहीं देता है डायरेक्ट मेथड, मदर टंग पर जोर नहीं देता है। दूसरा, रूल्स ऑफ ग्रामर पर, बिल्कुल भी नहीं, रूल्स ऑफ ग्रामर पे भी जोर नहीं देता है ये। किस पर देता है? ट्रांसलेशन इन हिंदी में, इस पर भी जोर नहीं देता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी। तो यहाँ पर दोस्तों, 10वें का आंसर हमारा होगा डी। अगला क्वेश्चन है, इफ ए टीचर यूज ए सीरियस ऑफ मोनोलॉग्स इंटरप्रेस्ड विद एक्सचेंज ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर बिटवीन टीचर एंड पुपिल, वी मस्ट बी प्रैक्टिशनर ऑफ ऑडियो लिंगुअल मेथड, स्ट्रक्चरल मेथड, डायरेक्ट मेथड, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। यदि कोई टीचर ज़्यादा जोर देता है जो है क्वेश्चन आंसर पर, और टीचर और शिष्य जब दोनों इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं, तो वो किस टाइप के मेथड पर काम कर रहे होते हैं, यहाँ पर आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पर वो उस समय डायरेक्ट मेथड पर काम कर रहे होते हैं, वो पुपिल यानी कि शिष्य, और जो टीचर है ना, वो प्रैक्टिशनर होते हैं किसके? डायरेक्ट मेथड के। वहाँ पर वो डायरेक्ट मेथड की बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आंसर जो है ना हमारा, वो होगा सी। 12th क्वेश्चन है, विच इज नॉट ट्रू अबाउट द डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड के संबंध में कौन सी बात सही नहीं है? विच इज नॉट ट्रू, सॉरी, हाँ ठीक है, विच इज नॉट ट्रू अबाउट द डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड के संबंध में कौन सी बात सत्य नहीं है? क्या इम्फेसिस ऑन द ओरल लैंग्वेज, ये, या फिर इंटेंसिव स्पीच प्रैक्टिस, एक्सटेंसिव यूज ऑफ न्यू लैंग्वेज, या ग्रामर, रेसिटेशन। रेसिटेशन का मतलब उच्चारण करना, उसका उदाहरण करना, उद्धरण करना बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर 12th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पर ग्रामर रेसिटेशन की बात नहीं होती है, ये जो है ना, ये ग्रामर, ये डायरेक्ट मेथड के संबंध में ये बात ठीक नहीं है। तो यहाँ पर आंसर हमारा होता है डी। तो 12th का आंसर होगा हमारा डी। ये इम्फेसिस करता है ओरल लैंग्वेज पर भी, इस इंटेंसिव स्पीच पर भी करता है, एक्सटेंसिव यूज ऑफ न्यू लैंग्वेज पर भी करता है, लेकिन ये जो बात लिखी है ना, ये लास्ट वाली, ये इस मेथड से रिलेटेड नहीं है। अगला क्वेश्चन है, डायरेक्ट मेथड लेज मोर इम्फोसिस ऑन, किस पर ज़्यादा जोर देता है डायरेक्ट मेथड? 13 का आंसर है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको पता है कि ये स्पीच ट्रेनिंग की बात करता है, ये ज़्यादा प्रोनंसिएशन की बात करता है। तो यहाँ पर 13 का आंसर हमारा जो होगा ना, वो होगा बी। इसी तरह 14 क्वेश्चन है कि द डायरेक्ट मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कि डायरेक्ट मेथड को क्या कहा जाता है दोस्तों? नेचुरल मेथड भी इसको कहा जाता है।
तो हमारा 14 का आंसर होता है बी। फिर है द मेन एडवोकेट ऑफ डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड की ज्यादा वकालत करने वाला या फेवर में बात करने वाले कौन हैं? तो दोस्तों डॉक्टर माइकल वेस्ट जो ये है ना, ये डायरेक्ट मेथड में फेवर में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर होता है दोस्तों सी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से डायरेक्ट मेथड के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हो चुके हैं। आप लोगों से फिर निवेदन है कि एक टेलीग्राम चैनल है प्रेरणा कैरियर इंस्टीट्यूट के नाम से, आप उस चैनल को ज्वाइन कीजिए। इस वीडियो के जितने भी पीडीएफ हैं उसी चैनल पे आपको मिलेंगे, और समय समय पर उसमें टेस्ट भी आयोजित होंगे, और टेस्ट के साथ साथ कुछ पुरस्कार भी होगा। तो आप उस टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो प्रेरणा कैरियर इंस्टीट्यूट नाम का वो चैनल है मेरा, उससे जुड़ जाए। किसी भी प्रकार की आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी क्योरी होती है, आपका कोई भी क्वेश्चन होता है, तो आप मुझसे इस नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, मैं हमेशा आपकी सेवा में तत्पर रहूंगा। फिर निवेदन है कि आप जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच में इसको पहुंचाने की कोशिश करें। यहाँ पर भी नीचे भी मेरा नंबर दे रखा है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो आगे हम फिर मिलेंगे नए मेथड के साथ। अगला मेथड हमारा होगा स्ट्रक्चरल मेथड, और उस मेथड को कंप्लीट पढ़ने के बाद हम उसके क्वेश्चन भी करेंगे। तो अगली क्लास में फिर मिलते हैं। नमस्कार।